यार एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं जब पढ़ाई करता था ना, देर यूज टू बी अ बिग प्रॉब्लम विद मी। मैं पढ़ाई करते करते कितनी बार होता था कि सो जाता हूँ, ठीक है। वो टाइम पे इतना फोटो वोटो का सब था नहीं, अदरवाइज माई पेरेंट्स कैन मेक एन एल्बम फ्रॉम अ थिंग दैट मैं पढ़ाई कर रहा हूं और पढ़ते पढ़ते 15-20 मिनट के अंदर सो गया। यू नो वाई? बिकॉज मेरे को एक हैबिट थी दैट आई यूज टू स्लीप एंड स्टडी, कभी सोफा पे या फिर कभी बेड पे। आई मेरे को लगता था कंफर्टेबल होके यार पढ़ते हैं, मजा करके पढ़ते हैं, बट विदाउट रियलाइजिंग दैट विद इन 15-20 मिनट्स बाय डिफॉल्ट माई ब्रेन विल शट ऑफ एंड आई विल गो टू स्लीप ऑन द बुक्स। फिर बाद में अचानक से आधा घंटे बाद नींद खुलेगी एंड देन यू नो आई जस्ट स्प्लैश माई फेस एंड ट्राई टू गेट बैक टू द ग्रूव, विच वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट यार दिस इज नॉट द राइट वे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या। आप लोग भी पढ़ाई करते करते नींद आती है, थ्योरी करते वक्त तो आती ही है। दूसरा, डू यू स्लीप एंड स्टडी राइट लाइक ऑन अ बेड और ऑन एनीथिंग? तो फिर दिस वीडियो इज फॉर यू। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एंश्योर दैट अपन कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, इट कुड बी सीए, इंटरमीडिएट, फाइनल और एनी स्टडीज ऑफ दैट शॉर्ट, वी शुड एंश्योर दैट वी आर राइटिंग वाइल स्टडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट वाइल स्टडिंग इज राइटिंग। चार इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और मुझे प्रॉमिस कर दो दैट येस आई विल सिट एंड स्टडी, इनफैक्ट आई विल राइट एंड स्टडी। हाँ, हो सकता है कि पूरा टाइम राइटिंग ना करो आप, बट एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम राइटिंग प्रैक्टिस रखते रहो। दीज आर द फोर बेनिफिट। सबसे पहला, राइटिंग विल कीप यू अवेक। 15 मिनट में मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं बेड पे, आज भी मेरे साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है यार, थक जाता हूँ लेक्चर लेने के बाद, उसके बाद मेरे को कभी नोट्स या कंटेंट पे काम करना होता है तो मैं करता हूं ऐसे एंड लिटरली आई डोज ऑफ यार, एंड देन फिर वापस से उठना, वो मोमेंटम लाना बिकम्स डिफिकल्ट, टाइम लगता है फिर उसके लिए। सो राइटिंग विल कीप यू अवेक। सेकेंड, हेल्प्स यू रिटेन सबकॉन्शियसली वॉट एवर इज रिटेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। मालूम है अपने को एग्जाम के पहले कई बार डर लगता है, सर कुछ याद नहीं रह रहा है, मैं भूल जाऊंगा, स्पेशली थियोरी सब्जेक्ट्स, ऑडिट एंड एवरीथिंग, या फिर AFM में फॉर्मूलाज रहते हैं बहुत सारे। सो वी आर सो मच अफ्रेड बिफोर द एग्जाम। अगर आप लोग ने लिखा होगा ना कोई भी चीज को, जितना आप लोग लिखोगे ना, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू मेंटेन थिंग्स इन योर सबकॉन्शियस लेवल। तो अगर ऐसा है तो वी शुड राइट डाउन, बिकॉज जितना राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा उतना रिकॉल उतना बेटर होगा, उतना रिटेन बेटर होगा, रिकॉल बेटर होगा। इंपॉर्टेंस टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। लाइफ में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब आपका दिमाग आपको बोल रहा है आराम कर सो जा, बट उसको हटा के यू आर ब्रेकिंग द कंफर्ट जोन। एंड ट्रस्ट मी, सिटिंग एंड राइटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प्ड मी टू ब्रेक माई कंफर्ट जोन, टू ब्रेक माई माइंड बैरियर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पेपर छूटना नहीं चाहिए, पर पेपर कब नहीं छूटेगा, जब मेरा राइटिंग स्पीड अच्छा होगा। सो दैट इज वेर इंक्रीजेस द एग्जाम राइटिंग स्पीड। और लास्ट पॉइंट जो मैंने छुपा के रखा है आप लोग सब लोग से, मैंने बोला भाई जो मेरा ये वीडियो इधर तक पहुंचेगा उसी को मैं ये वाला टिप दिखाऊंगा, एंड दैट इज बॉस, राइटिंग करते करते खुद का भी समरी नोट्स बन जाएगा। कितना भी आप अच्छा मैजिक बुक खरीद लो, खुद का जो लिखा हुआ नोट्स है ना, उससे बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज एग्जाम टाइम पे खुद का हैंड राइटिंग रहेगा लिखा हुआ, आपको भी एक पॉजिटिविटी फील होगा दैट यस मैंने हर चीज लिख के की है। योर कॉन्फिडेंस विल बी एट अ डिफरेंट लेवल। अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर लाइक करना एंड प्लीज कमेंट में लिख देना आई विल स्टिक एंड डू राइटिंग प्रैक्टिस अ लॉट। इंक्रीज कर दो अपना जो राइटिंग है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट, ये सबके लिए। यार देखो, ऑडिट में लिखने का ये फायदा है बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ थियोरी, तो वो थियोरी वर्ड्स लिखते जाओगे सबकॉन्शियसली दिमाग में होते जाएगा। हर प्रोफेसर आपको ऑडिट का यही बोलता है ना कि वो टेक्निकल वर्ड लिखना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर या फिर शेड्यूल 1 क्लॉज 2 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लिख के ही आएगा ना वो चीज तो। या फिर आपको AFM का प्रोफेसर बोलेगा यार फॉर्मूलाज लिख लो, जितना लिखोगे उतना ध्यान रहेगा। या फिर FR के इंड AS है, डायरेक्ट टैक्स के सेक्शन एंड प्रोविजन है, इनडायरेक्ट के GST के नोटिफिकेशन है, ऑल ऑफ दिस कंबाइंड विल हेल्प यू व्हेन यू डू द राइटिंग प्रैक्टिस इन द राइट मैनर। सो प्लीज आज से ही चालू कर दो लिखना, समरी नोट्स भी बनाएंगे,
जागे भी रहेंगे तो उससे जो अपना वो 2 आवर्स पैकेट वाला काइजेन का बात हुआ है ना, वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, सबकॉन्शियसली दिमाग में सेट हो जाएगा, ये तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पे पैनिक या कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, कंफर्ट जोन टूटेगा, आपका नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अब आप मेरा ही केस ले लो ना, मैं पलंग पे गया, आई जस्ट स्लेप्ट फॉर आई स्टडीड फॉर 15-20 मिनट्स, फिर सो गया मैं आधे घंटे के लिए, फिर वापस से उठो, वापस से वो ग्रूव में आओ, फिर मोबाइल देखो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम दैट आई एम डूइंग। वो होगा ही नहीं, बिकॉज अब मैं 2 आवर पैकेट स्टडी एंड सिट, स्टडी एंड सिट एंड राइट, वैसा इंक्रीज द राइटिंग स्पीड, सो पेपर मेरा 100 मार्क का कंप्लीट होना ही चाहिए एंड इट विल बी डन फॉर श्योर। मैं भी अब से लिख देता हूं ये, आई विल ऑल्सो सिट एंड स्टडी, मतलब बहुत फाइनल इंटर फाइनल में आके मेरी वो हैबिट फाइनली गई थी। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन किया, फिर लाइब्रेरी में भी फ्रेंड्स बन गए, तो उधर थोड़ा बहुत सोशल नेटवर्किंग होने लगा, तो मैं बोला भाई ठीक है, अभी घर पे पढ़ाई करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, देन आई फाइनली गॉट दैट। बट अभी भी देर इज अ टाइम वेर आई फील, चल थोड़ा करता हूँ ना, रिलैक्स करके पढ़ता हूँ, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, आई गारंटी मैं 15 मिनट में सो ही जाता हूँ। आपके साथ भी ऐसा ही होता है, डोंट वरी, अब से ये चीज को फॉलो करो और मुझे भी बोलो सर आप भी फॉलो करो। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।